करीम बख्श सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो अपने एक दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? करीम बख्श ने कहा, मैं घर में बीवी बच्चों के शोर शराबे से तंग आ गया हूँ, मुझे सुकून की तलाश है। करीम बख्श के दोस्त ने कहा, इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजिर में सुकून ढूंढता है। पड़ोस के गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, वो बहुत तजुर्बाकार हैं, तुम उनके पास जाना, वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई हल बताएंगे जिससे तुम पुरसकून हो जाओगे। अगले दिन करीम बख्श बुजुर्ग तबारक अली के घर पहुंच गए और उन्हें अपना मसला बताया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें सुकून चाहिए। करीम बख्श ने कहा, जी मुझे सुकून चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, कितना? करीम बख्श ने कहा, बहुत सा, यानी मुकम्मल। बुजुर्ग कहने लगे, तो फिर चार लोगों को लेकर आओ। करीम बख्श ने कहा, वो क्यों? बुजुर्ग ने कहा, भाई मुकम्मल सुकून तो कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों के शोर शराबे से परेशान हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में मुर्गा है? नहीं, मगर क्यों? करीम बख्श ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब यहाँ से जाओ। करीम बख्श घर में एक मुर्गा ले आए, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मुर्गे ने वक्त बेवक्त अजान देकर करीम बख्श को आजिज कर दिया। वो फिर उसी बुजुर्ग के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में कुत्ता है? नहीं, मेरे घर में कुत्ता नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, जाओ आज ही एक कुत्ते का बंदोबस्त करो। बुजुर्ग के कहने पर करीम बख्श अपने घर में एक कुत्ता ले आया। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते। करीम बख्श का रहा सहा सुकून भी गारत हो गया। वो फिर बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम्हारे घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरे अलावा कोई नहीं, जाओ आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतजाम करो। करीम बख्श अब एक गधा घर ले आया। गधा, मुर्गा और कुत्ता तीनों मिलकर खूब शोर मचाते। मोहल्ले वाले भी शोर से तंग आकर करीम बख्श से शिकायत करते। करीम बख्श बुजुर्ग के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुम गधा और कुत्ता वापस कर दो और मुर्गे को ज़िबा कर दो। नहीं, मैं मुर्गे को ज़िबा नहीं करूँगा, मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं, जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। बुजुर्ग ने कहा, अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मजबूरन करीम बख्श को बुजुर्ग की बात माननी पड़ी। उन तीनों के जाने के बाद करीम बख्श को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से उसको वहशत होने लगी। उसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया,
آخری بار بزرگ سے مل لوں۔ کریم بخش جب بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اب تم ایک آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ بیوی کو بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو۔ یہ سن کر کریم بخش غصے کو برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا، اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بیٹو کے مشوروں کی حد کر دی، میں ہرگز اپنی بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون اور خوشیاں انہیں کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں، تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ، اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کرو۔